हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेटेक्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिएगा, आज के वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो कोटा में आकर के प्रिपरेशन करने वाले हैं नीट या IIT की। तो जैसे ही आप आते हैं तो आपको तो पता रहता है कि आपको किस कोचिंग में एडमिशन लेना है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि आप रहोगे कहाँ। तो इसके लिए आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा कंसर्स होते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझते हो इधर उधर की क्या है, नहीं है वहाँ का हॉस्टल PG का सिस्टम क्या है, वहाँ का BSL वगैरह का क्या सिस्टम है। तो उसी कड़ी में जैसे आज इस वीडियो में जैसे मैं आपको, आप लोगों का जो डिमांड था कि हॉस्टल टूर, PG टूर, फ्लैट टूर, तो मैं टाइम टू टाइम लेकर के आ रहा हूँ। आज इस वीडियो में जैसे मैं आपको एक PG टूर लेकर के आने वाला हूँ, जो कि LN, आकाश, बंसल, PW, अनअकैडमी से जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको सिटी मॉल वाला जो एरिया है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी भी पड़ता है, और ये विज्ञान नगर का एरिया है। तो विज्ञान नगर में जैसे बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है। तो यहाँ का जैसे मैं आपको PG टूर देने वाला हूँ, तो बिना टाइम लॉस्ट हुए चलिए चले के रूम में। उससे पहले आप जैसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रूम की ओर। जैसे भी आता हो पढ़ने की जिस रूम को मैंने खोला, इस तरह से आपको इंपीरियल में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मैं अपने कैमरा मैन से कहता हूँ कुछ इसको जो है अच्छे से दिखा दे। देखिए उस साइड की ओर देखिए, उस साइड जो है आपको सबसे पहले जो है वहाँ पे वार्सिप पैलेस दिख रहा होगा। और इसको जो है गेट को मैं बंद करता हूँ, तो गेट को जैसे ही है गेट को जैसे ही मैंने बंद किया, इधर जो है आपको एक हैंगर दिया गया है। रूम एंटर करते हैं, आप अपने जैसे जो भी क्लॉथ्स होंगे उसको आप जैसे यहाँ पे हैंग कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको इस साइड यहाँ पे जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है उसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे आपको एक थ्रोर मिलता है और कूलर, समझ सकते हैं कि कोटा की गर्मी कैसी होती है। तो कोटा की गर्मी के अनुसार जो है आपको कूलर या ऐसे जरूर चाहिए रूम में, और इस रूम में जो है आपको कूलर दिया गया है। उसके आगे जैसे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल दिया गया है और एक जो है स्टडी चेयर दिया गया है। तो एक टेबल चेयर दिया गया है आपको यहाँ पे बैठकर पढ़ने के लिए। हर एक रूम में आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए। उसके आगे जैसे मैं बढ़ता हूँ वो आपको जैसे गोदरेज दिया गया, इसमें आपके सारी सामान जो भी है, जो भी आपकी क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें जो भी कीमती सामान है उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके आगे जो है वो एक छोटा सा जो है आपको रैक दिया गया है, जिसमें आप सारे अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए खाने पीने वगैरह का सामान रखा गया है। और इधर जो है बुक सेफ दिया गया है, जिसमें आप अपने बुक्स वगैरह रख सकते हैं और सामान वगैरह भी रख सकते हैं। और इधर एक और जो है छोटा सा रैक दिया गया है, इसमें आप अपनी जो भी डेकोरेशन का सामान हो या जो भी जो नॉर्मल यूज का रेगुलर यूज का सामान है वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। उसके आगे जैसे बढ़ते हैं तो आपको एक बेड दिया जाता है, बेड के साथ हर एक चीज़ दी जाती है जो भी आपकी नीड हो। बेड में भी आप देख सकते हैं जो है इसमें भी डोर वगैरह दी गई, इसमें भी आप जो भी सामान वगैरह रखना चाहे रख सकते हैं। उसके आगे जो है आप देख सकते हैं वर्सिप पहले से और पावर पॉइंट दिया गया, यहाँ पर अपना चार्जर वगैरह, लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें आ सकते हैं। और इस साइड भी जो है आपको एक पावर पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर आप उसमें स्टडी स्टैंड भी जाएगा, इस समय जो है अपने लैपटॉप वगैरह जो भी लगाना हो टेबल से लगा कर कनेक्ट कर सकते हैं। और भी इधर जो आपको एक बल्ब दिया जाता है और एक ट्यूबलाइट दिया जाता है, यानी LED बल्ब और ट्यूबलाइट, और पंखा भी दिया गया। और पंखा में सबसे खासियत है कि अब जो पंखे कोटा में दिख रहे हैं आपको, वो सारे पंखा जो है सो एंटी हैंगिंग है। और इसके पीछे का रीज़न आप लोग भी जानते हैं कि बच्चे जो है सो कुछ बच्चे मतलब प्रेशर नहीं जम पाते हैं, जो भी रीजन तो सुसाइड वगैरह कर देते हैं जो इस पंखे में लटक करके। तो उसको रोकने के लिए कोटा की जो प्रशासन है उसके द्वारा हर एक रूम में जो है सो एंटी हैंगिंग फैन लगाना जो है सो नेसेसरी कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है अगर नहीं जिस भी PG वो हॉस्टल में नहीं लगा होगा उसको जो है सो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको सीज कर दिया जाएगा, वहाँ पे जो है सो कोई बच्चे को नहीं रहने दिया जाएगा। इस कारण से सारे जो है सो ऑनर लोग जो है सब लगा करके दे रहे हैं। तो देखिए इस रूम में मैं आपको एक बार और बोलूँगा कैमरामैन से कि अच्छे से दिखा दे क्या क्या चीज़ दी गई। सबसे पहले जो है सो आपको वर्सिप पैलेस है, उसके नीचे आपको जो है सो पावर पॉइंट है, उसके बाद जो है सो आपको बेड मिलता है, बेड में जैसे आपको गद्दे वगैरह हर एक चीज़ दी जाती है। उसके बाद जैसे आपको एक रैक है, उसके बाद आपका जैसे बुक सेम्प्स है, उसके बाद एक छोटा सा रैक है उसमें सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको एक अलमीरा दिया गया है, उसके बाद आपका स्टडी टेबल है, चेयर है, और उसके पीछे जैसे आप देख सकते हैं आपको एक जैसे कूलर दिया गया है, और उधर जैसे अपने क्लॉथ को हैंग करने के लिए एक हैंगर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ दी जाती है आपको इस रूम में। अब देखिए इसकी प्राइस जो है सो बहुत कम है, तो प्राइस मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। कुछ और चीज़ें मैं पहले आपको दिखा देता हूं, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे ही मैं आगे की ओर आया तो आपको जो है सो ये यहाँ पे जो है सो आप देख सकते हैं ये टॉयलेट वगैरह जो है सो आप बाथरूम्स दिए गए हैं, ये भी सही तरीके में ही है। और इधर जो है सो बेसिन वगैरह सारी चीज़ दी गई है, और इसमें जो है सो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि गीजर वगैरह की भी फैसिलिटी सारी चीज़ें दी जाती है आपको। और इस साइड जो है सो फिर इधर जो है सो बाथरूम वगैरह दिया गया है,
और ये बाथरूम वगैरह भी पूरी साफ सफाई एकदम से रखी जाती है, लगभग लगभग साफ ही रहते हैं। और आगे की ओर मैं चलिए और भी कुछ चीज दिखा देता हूँ आपको। इस साइड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक एयरटेल फाइवर लगा हुआ, तो फाइवर जो है बच्चे लोगों ने जो है खुद मिलकर के लगवाया है। और आगे आइए मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ। इधर जो है सो आपको एक किचन मिलता है, और इस किचन में जो है सो किचन अभी थोड़ा साफ वगैरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन किचन जो है सो अच्छा किचन, इसमें आपको जो है सो फ्रिज वगैरह भी दिया गया है, और इसमें आप अपना पानी वगैरह ठंडा ठंडा रख करके पी सकते हैं, सारी चीज दी जाती है। तो बाहर की ओर देख सकते हैं पूरा फ्रेशनेस ही फ्रेशनेस आपको दिख रहा होगा, पूरा फ्रेशनेस फील होगा जैसे ही आप बाहर आइएगा। पूरा खुला खुला माहौल है, देखिए बच्चे लोग गली में क्रिकेट वगैरह भी खोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब पूरा फ्रेश है यहाँ पे, कोई गाड़ी वगैरह का आवागमन उतना नहीं आपको नजर आएगा, एकदम शांत सा माहौल है। और सारे बिल्डिंग्स अच्छे अच्छे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे मेस वगैरह भी आसानी से मिल जाते हैं, और हॉस्टल वगैरह भी है, और सारे लगभग लगभग पीजी ही हैं, सारे रूम्स आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब पीजी है। अब मैं आपको छत पे ले चलता हूँ और छत पे दिखाता हूँ कि छत का जो है सो क्या सीन है। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और छत से देखते हैं ऊपर का क्या सीन दिखता है। तो देखिए अभी गर्मी का टाइम है, और देखिए कितना ज्यादा धूप है, इतनी धूप में जो है मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए छत से कुछ इस तरह का व्यू जो है आपको दिख रहा है, इधर शॉप वगैरह भी सारी है, और उधर जो है पीछे की साइड जाइएगा तो ज्ञान नगर जो है मेन मार्केट है, और उधर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल ही रहे हैं, और उस साइड जो है आप देख सकते हैं सारा जो है पीजी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिखा दी इस वीडियो में, चलिए मैं आपको रूम की ओर ले चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि इसका रेंट क्या रहने वाला है। तो गाइस रेंट की बात करें तो रेंट जो है बहुत कम रहने वाला है, यहाँ पे जो है 3200 रुपये की रेंट की रूम है ये, और ये मैंने बता ही दिया था आपको कि एलन की जो है नज़दीक में पड़ता है, तो 3200 में जो है आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रूम मिलते हैं, और 3000 से 3500 में मतलब मैं बताऊँ कि लगभग लगभग आपको रूम मिल जाएंगे। विज्ञान नगर एरिया में ढूंढोगे तो आपको जिम भी बच्चों को रूम खोजना होगा तो आप जो है सब देख सकते हैं, उधर भी जो है इस बिल्डिंग में भी आपको 3500 में, उधर भी देखोगे 3500, मतलब 3500 में आपको जो है बहुत सारे रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोटा बहुत महंगा हो गया है, बहुत लोगों का ये होता है कि कोटा बहुत महंगा है, कोटा में रह पाना संभव नहीं है, तो मैं आपको ये भी एक दिन बताऊंगा कि कोटा में एक साल का खर्च कितना पड़ता है, लेकिन 3500 से 3500 में आपको रूम मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत क्या करना है, आप जिस भी कुछ भी एडमिशन लेंगे वहाँ पर आपको जो है सो जहाँ भी सामान रखने की जो सेंटर होती है वहाँ पे सामान आपको रख देना है, और वहाँ से निकलना है, और आपको जो है ढूंढना है पीजी ढूंढना है, और आपको आसानी से मिल जाएगा। बॉयज़ के लिए खोजेगा बॉयज़ की भी मिल जाएगी, गर्ल्स की खोजेगा गर्ल्स की भी मिल जाएगी, और जो है सो आपको सस्ते रेट में जो है सो रूम्स आराम से मिल जाएंगे। और मैसेज वगैरह की बात करें तो 3000 से लेकर के 4000, 4500, 2500 हर तरह की मैसेज आपको मिल जाती है मैसेज जो। तो ऐसा नहीं है कि जो है सो कोटा बहुत महंगा है, कोटा में आप रह सकते हो आराम से रह सकते हो, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो फिर भी आप कोटा में सर्वाइव कर सकते हो। तो इस वीडियो में देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, फिर भी अगर आपको कुछ जाना हो तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी, वहाँ जाकर भी आप जो है सो कोटा कोचिंग हॉस्टल से रिगार्डिंग कुछ भी जाना हो तो DM कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।